तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग कंपाइलर डिजाइन के ऊपर। हम बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्सर्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि पार्सर्स होता क्या है एक्चुअली में। तो पार्सर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हम बात करें तो पार्सर्स कुछ नहीं, एक सिंटेक्स एनालाइजर ही होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर जो होता है सिंटैक्स एनालिसिस, उसमें क्या क्या होता है बेसिकली, जो फर्स्ट फेज है आपका लेक्सिकल एनालिसिस, वो क्या करता है, टोकन ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करता है। तो उसी टोकन ऑफ स्ट्रिंग को एज ए इनपुट आपका कौन लेता है, सेकंड फेज जो सिंटैक्स एनालिसिस फेज जो आपका टोकन ऑफ स्ट्रिंग्स को इनपुट लेता है और आउटपुट क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है। तो पार्स ट्री कौन जनरेट करता है, पार्स ट्री बेसिकली जनरेट करता है आपका पार्सर। तो आप पार्सर को ऐसा समझ सकते हैं, पार्सर एक क्या प्रोग्राम है, सिंटैक्स एनालिसिस फेज में यूज होने वाला एक प्रोग्राम है जो क्या जनरेट करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है। तो पार्सर बेसिकली क्या होता है, एक पार्स ट्री जनरेट करता है, एज ए इनपुट स्ट्रिंग लेगा एज ए इनपुट और उस इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री जनरेट करेगा। तो पार्सर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है टॉप डाउन पार्सर्स TDP और एक होता है बॉटम अप पार्सर्स। तो बॉटम अप पार्सर्स को जो है हम, और बॉटम अप पार्सर्स को हम SR पार्सर्स भी बोलते हैं। तो SR पार्सर्स मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है शिफ्ट और R का मतलब होता है रिड्यूस। तो बॉटम अप पार्सर्स को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स भी बोलते हैं। तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, पुश, शिफ्ट का मतलब होता है पुश और रिड्यूस का मतलब क्या होता है, पॉप। तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे, तो कि अपन एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं बॉटम अप पार्सर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें हम देखेंगे कि जो शिफ्ट और रिड्यूस जो होता है, तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म होता है और जब हम रिड्यूस करते हैं तो क्या है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो बॉटम अप पार्सर को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं। तब आते हैं टॉप डाउन पार्सर्स की साइड। तो टॉप डाउन पार्सर जो है वो फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं टॉप डाउन पार्सर्स को। एक कर सकते हैं हम टॉप डाउन पार्सर्स विद फुल बैक ट्रैकिंग और एक कर सकते हैं हम टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो टॉप डाउन पार्सर्स विद फुल बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, बैक ट्रैकिंग का मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि अब बैक ट्रैकिंग वाले में क्या होगा, पार्सर्स यहाँ क्या आपका हर एक पॉसिबिलिटीज को चेक करेगा आपका। जैसे पार्सर जब क्या है, पार्स ट्री का जब कंस्ट्रक्शन करेगा, तो जैसे सपोज कोई प्रोडक्शन पार्सर्स ने सिलेक्ट की पार्सिंग का परफॉर्म करते टाइम, तो जैसे कि जो इनपुट स्ट्रिंग है अगर वो डिराइव नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से, तो पार्सर क्या करेगा आपका बैक ट्रैक करेगा, वापस बैक ट्रैक करेगा और दूसरा प्रोडक्शन चूज करेगा। तो इसमें क्या आता है, पार्सर क्या आपका हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करेगा। तो टॉप डाउन पार्सर्स विद फुल बैक ट्रैकिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि ब्रूट फोर्स मेथड का यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, पार्सिंग में ब्रूट फोर्स मेथड का यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। तो हम आगे के वीडियोस में और इसको जब डिटेल में देखेंगे तो उसका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो टॉप डाउन पार्सर्स विद फुल बैक ट्रैकिंग में हमको क्या होगा, आपका पार्सर जो आपका यहाँ बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेगा। अगर जो आपकी पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन उसने चूज किया है स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, अगर वो स्ट्रिंग अगर उसके डिराइव नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा और हर पॉसिबिलिटी को ऐसे ट्राई करते रहेगा। तो टॉप डाउन पार्सर विद फुल बैक ट्रैकिंग में ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करेगा पार्सर। अब देखते हैं कि दूसरा जो उसका टाइप था टॉप डाउन पार्सर्स का, वो क्या था, टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग। यानी इसमें क्या होगा, ये वाले पार्सर में बैक ट्रैकिंग यूज नहीं करेगा आपका पार्सर। यानी अगर वो क्या करेगा, वन शॉट में आपका स्ट्रिंग को क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा। यानी क्या करेगा आपका, कि वो क्या है, मतलब एक वन शॉट में डायरेक्ट वो प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सा प्रोडक्शन उसको चूज करना है, वो जो आपका गिवन इनपुट स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए, उस पर्टिकुलर गिवन इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग पास जनरेट करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन उसको क्या है सूटेबल है, उसको क्या वन शॉट में प्रिडिक्ट करेगा। तो इसी कारण हम लोग टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग को हम और क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिव पार्सर्स भी बोलते हैं। तो इसको प्रिडिक्टिव पार्सर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये करेक्ट प्रोडक्शन को आपका क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। इसमें क्या है, बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं है, तो इसी कारण इसमें क्या करता है, वो करेक्ट प्रोडक्शन को आपका प्रिडिक्ट करेगा, जिससे कि वो इनपुट स्ट्रिंग आपकी जो है डिराइव होगी वन टाइम में। तो टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। तो जैसा कि ये नाम से इसका समझ में आ रहा है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में क्या है, जो आपका जो यहाँ पर क्या है, रिकर्शन का यूज होगा। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में क्या होगा, रिकर्शन का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक प्रोडक्शन जो हर एक नॉन टर्मिनल है, हर एक नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग एक क्या है, फंक्शन डिफाइन रहता है, एक फंक्शन डिफाइन रहता है। तो पार्सर क्या, नॉन टर्मिनल के पास पहुंचेगा तो क्या है, वो फंक्शन को कॉल करेगा, रिकर्सिवली उस फंक्शन को कॉल करेगा। इसी कारण इस पार्सर का नाम क्या है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। और इसका जो दूसरा टाइप था वो क्या था, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसको हम LL1 पार्सर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, LL1 पार्सर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है यहाँ पर, यानी आपका रिकर्शन का यूज नहीं होता है। तो अगर रिकर्शन का यूज नहीं होता, तो हम जानते हैं कि हम रिकर्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक से इंप्लीमेंट करते हैं।
तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर अगर रिकर्सन यूज नहीं हो रहा है तो ये LL1 पार्सर ऑब्वियसली बात है यहाँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा। तो हम आगे के वीडियोस में जब डिटेल में देखेंगे LL1 पार्सर्स के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि जो LL1 पार्सर है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो LL1 पार्सर है वो आपका क्या है, एक टॉप डाउन पार्सर है और वो क्या है बैक ट्रैकिंग का यूज नहीं करता है, तो प्रिडिक्ट करता है वन शॉट में इनपुट स्ट्रिंग को अपने, तो उसको प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं। और नॉम वो क्या है, उसमें रिकर्सन नहीं होता है, परफॉर्म रिकर्सन से इंप्लीमेंट नहीं होता है, वो स्टैक से इंप्लीमेंट होता है, इसी कारण उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी बोल सकते हैं। तो LL1 पार्सर में जो ये फर्स्ट L है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट स्कैन। तो लेफ्ट टू राइट स्कैन यानी जो भी आपके इनपुट स्ट्रिंग जो आप देंगे पार्सर को वो क्या करेगा, लेफ्ट से राइट स्कैन करेगा, यानी लेफ्ट से स्टार्ट करेगा स्कैन करना, राइट तक करेगा। और जो सेकंड L है, सेकंड L का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यानी जो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज करेंगे, यानी लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करेगा आपका पार्सर हर एक स्टेप में। तो यहाँ पर LL1 पार्सर जैसे हमने देखा, तो LL1 पार्सर्स में आपकी जो रहेगी, जो ग्रामर रहेगी, जो LL1 पार्सर्स में जो आपकी ग्रामर रहेगी वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए। जो LL1 में पार्सर, LL1 पार्सर में जो ग्रामर रहेगी आपकी वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए, यानी जो ग्रामर में आपके लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन प्रेजेंट है तो इसका मतलब LL पार्सर्स क्या, आपका इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, पास्ट रीजनरेट नहीं हो पाएगा, इन्फिनाइट टाइम जो है आपके लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करते रहेगा, तो वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, इसी कारण आपसी पार्सिंग जो है आपकी वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इसी कारण जो आपका LL पार्सर्स में जो आपका ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सन आपका कंटेन नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये देखेंगे हम कि जो LL पार्सर्स है आपका, LL पार्सर्स में जो आपकी जो ग्रामर रहेगी उसमें कॉमन प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है अगर कॉमन प्रीफिक्स होगा तो पार्सर क्या करेगा, पार्सर को बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, एक ही प्रोडक्शन के लिए आपके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ LL1 है, यानी यहाँ पर लुक LL पार्सर्स में क्या है आपका लुक अहेड सिंबल क्या है, 1 है, यानी आपको एक ही सिंबल को यूज करके प्रोडक्शन चूज करना है। तो कॉमन प्रीफिक्स के केस में क्या होगा कि दो प्रोडक्शन है वो क्या एक ही प्रीफिक्स से स्टार्ट होंगे, तो पार्सर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर किस प्रीफिक्स को लूंगा। फॉर सपोज अगर उसने कोई प्रीफिक्स ले लिया, उसने कोई प्रोडक्शन ले लिया, अगर उससे कुछ ने स्ट्रिंग डिराइव की और वो आपसे आपकी क्या है फाइनल इनपुट स्ट्रिंग डिराइव नहीं हो रही है, तो वो उसको क्या है वापस बैक ट्रैक परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं है, तो इसी कारण यहाँ पर क्या है कॉमन प्रीफिक्स आपके ग्रामर में नहीं होना चाहिए। कॉमन प्रीफिक्स अगर आपके ग्रामर में है तो हम उसके लिए LL1 पार्सर क्रिएट नहीं कर सकते। तो और जो आपका ग्रामर है वो एम्बिगस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ग्रामर एम्बिगस है यानी उसका सेम इनपुट स्ट्रिंग के लिए आपको क्या है दो पार्स स्ट्रिंग मिलेंगे, यानी टॉप डाउन पार्सर्स के केस में क्या होगा, अगर आपके ग्रामर एम्बिगस है तो आपको सेम इनपुट स्ट्रिंग के लिए आपको क्या है दो पार्स स्ट्रिंग मिलेंगे, और पार्सर्स फिर यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर किस पार्स स्ट्रिंग को वो चूज करे पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या देखा, यहां पर हमने ये देखा कि अगर आपको LL1 पार्सर जो है अगर उसमें जो आपकी ग्रामर है वो ग्रामर आपकी लेफ्ट रिकर्शन कंटेन नहीं करनी चाहिए, वो ग्रामर आपकी कॉमन प्रीफिक्स कंटेन नहीं करनी चाहिए, कॉमन प्रीफिक्स उस ग्रामर में आपका नहीं होना चाहिए, यानी आपकी जो ग्रामर है वो लेफ्ट फैक्टरिंग होनी चाहिए, यानी उसमें लेफ्ट फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरा हमने ये देखा कि आपकी ग्रामर क्या है एम्बिगस नहीं होने चाहिए, तीसरी आपकी ग्रामर क्या है एम्बिगस नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं बॉटम अप पार्सिंग, बॉटम को हम क्या है SR पार्सर भी बोलते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं। तो बॉटम अप पार्सर क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और एक LR पार्सर। तो यहाँ जो LR पार्सर्स हैं इसमें जो फर्स्ट L है इसका मीनिंग है लेफ्ट टू राइट स्कैन, क्योंकि यहाँ पर भी हम लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। और जो ये R का राइट रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, यानी यहाँ पर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करेंगे। टॉप डाउन पार्सर्स है, जो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो टॉप डाउन पार्सर्स है LL पार्सर के केस में जो आपका ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्शन कंटेन नहीं करना चाहिए, उसमें कॉमन प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए और वो ग्रामर आपका एम्बिगस नहीं होना चाहिए। तो LR पार्सर के केस में आपका जो ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव हो सकता है, क्योंकि
LALR parsers क्या यूज करते हैं आपका राइट मोस्ट डेरिवेशन, रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो अगर आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो उससे कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को एक्सपैंड करेंगे, तो इससे आपका जो पार्सर है वो लूप में नहीं जाएगा। इसी कारण LALR parsers में लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर अलाउड है। और जो दूसरा यहाँ पर केस है, कॉमन प्रीफिक्स से भी यहाँ कोई आपका प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके ग्रामर में कॉमन प्रीफिक्स है तो यहाँ पर पार्सर को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा प्रोडक्शन डिसाइड करने में। तो यहाँ पर LALR parsers के केस में आपका लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और कॉमन प्रीफिक्स जिस ग्रामर में रहता है वो अलाउड रहता है, लेकिन यहाँ पर LALR parsers में एम्बिगस ग्रामर अलाउड नहीं रहता है। जो LALR parsers के केस में है वो एम्बिगस ग्रामर अलाउड नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर आपका ग्रामर एम्बिगस है तो फिर से पार्सर्स के पास क्या है, सेम इनपुट स्ट्रिंग के लिए आपके दो पार्श्री बन जाएंगे, तो पार्सर्स वहां पर क्या है फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस पार्श्री को वो चूज करे पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि LALR parsers के केस में आपका ग्रामर जो है वो एम्बिगस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपका ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सिव हो सकता है और आपका जो ग्रामर है वो कॉमन प्रीफिक्स कंटेन कर सकता है। तो जो LALR parsers है वो फर्दर आपके चार पार्ट में डिवाइडेड है, LR0, SLR1, LALR1 एंड CLR1। तो ये जो SLR है इसका मतलब होता है सिंपल LR, तो जो SLR है इसका मतलब होता है सिंपल LR, और जो LALR है इसका मतलब होता है लुक अहेड LR, जो LALR है इसका मतलब होता है लुक अहेड LR, और जो CLR है इसका मतलब होता है कैनोनिकल LR। तो हम आगे की वीडियोस में इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो हमने अभी यहां पर क्या देखा कि जो LR parsers है उसमें एम्बिगस ग्रामर आपका अलाउड नहीं है, और LR parsers फर्दर फोर टाइप में डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं बॉटम पार्सर का जो दूसरा टाइप था वो क्या था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो होगा वो सिर्फ जो आपका यहाँ पर ग्रामर कैसा रहना चाहिए, आपका ऑपरेटर ग्रामर रहना चाहिए। हम देखेंगे आगे की वीडियोज में ऑपरेटर ग्रामर के बारे में डिटेल में। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है ये आपका ऑपरेटर ग्रामर पे ऑपरेटर ग्रामर को ही पार्सिंग कर सकता है। तो अब ये ऑपरेटर ग्रामर जो है ये एम्बिगस भी हो सकता है, एम्बिगस भी हो सकता है और अनएम्बिगस भी हो सकता है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एक ऐसा टाइप का पार्सर है जो एम्बिगस ग्रामर में भी पार्सिंग परफॉर्म कर सकता है। हमने ये नहीं कहा कि ये हर एम्बिगस ग्रामर पे पार्सिंग परफॉर्म कर सकता है, ये कुछ कुछ एम्बिगस ग्रामर पे ही परफॉर्म कर सकता है, ऐसी ग्रामर पे ही पार्सिंग परफॉर्म करेगा जो आपकी ग्रामर कैसी हो, ऑपरेटर ग्रामर। तो हम देखेंगे ऑपरेटर ग्रामर के बारे में डिटेल में आगे के वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पार्सर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक टॉप डाउन पार्सर्स होता है और एक बॉटम अप पार्सर्स होता है, इसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं। और फर्दर टॉप डाउन पार्सर जो है फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक टॉप डाउन पार्सर्स विद फुल बैक ट्रैकिंग और एक टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग, जिसको हम प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक बार में प्रिडिक्ट कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है। टॉप डाउन पार्सर विद फुल बैक ट्रैकिंग क्या है, ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करता है आपकी सिंटेक्स ट्री को जनरेट करने में। और टॉप डाउन पार्सर्स विदाउट बैक ट्रैकिंग जो आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिकर्सिव डिसेंट पार्सर्स, यहाँ पर क्या है हर एक नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव फंक्शंस लिखने, यहाँ पर क्या है हर एक नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हमको क्या एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, पार्सर बार बार उस फंक्शंस को कॉल करता है रिकर्सिवली। तो ये क्या है रिकर्सिवली कॉल करता है, इसका मतलब क्या है ये इजी टू डिज़ाइन रहते हैं आपके, इनको डिज़ाइन करना क्या रहता है इजी रहता है। और वहीं हम देखेंगे कि जो LL1 पार्सर्स है जो कि नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है, यहाँ पर क्या है रिकर्शन का यूज़ नहीं होगा आपका, तो ये क्या है कंपेरेटिवली उतना इजी नहीं रहता है डिज़ाइन करना रिकर्सिव डिसेंट से यहाँ, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टैक का यूज़ करेंगे पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होगा, क्योंकि हम रिकर्शन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, इसी कारण हम क्या है यहाँ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। और हमने देखा कि बॉटम अप पार्सर्स क्या है, दो टाइप के होते हैं आप, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और एक LR पार्सर्स। तो LR पार्सर्स फर्दर दो चार टाइप के होते हैं, एक LR0, एक SLR सिंपल LR, एक LALR लुक अहेड LR और एक CLR कैनोनिकल LR। तो आप बस एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका ग्रामर एम्बिगस नहीं होना चाहिए, और हम LR parsers भी उसके लिए अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि parsers के पास क्या है वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, यानी दो पार्श्री सेम इनपुट स्ट्रिंग के लिए वहाँ पर parser के लिए हो जाएंगे, तो वहाँ पर parser आपका क्या है कन्फ्यूज हो जाएगा कि किस पार्श्री को वो चूज करे पार्सिंग परफॉर्म करने के लिए, इसी कारण आपका क्या है ग्रामर एम्बिगस नहीं होना चाहिए। और LL parsing के केस में आपका जो ग्रामर है वो लेफ्ट रिकर्सन कंटेन नहीं करना चाहिए,
और उसमें कॉमन प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्ट रिकर्शन कंटेन करेगा तो वो इनफिनाइट लूप में चला जाएगा आपका पार्सर, और अगर कॉमन प्रीफिक्स होगा तो उसके पास फिर से दो पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, तो पार्सर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। इसी कारण LL parsers अगर आपका ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सिव है और कॉमन प्रीफिक्स कंटेन करता है, या अगर आपका ग्रामर एम्बिगस है, तो उसके लिए हम LL parser क्रिएट बना नहीं सकते हैं, LL parser डिजाइन नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम हर एक पार्सर के बारे में डिटेल में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।